वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर टेक बाजार में। मैं आपका दोस्त और होस्ट इंजीनियर गौरवदीप शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का और आशा करता हूं आप लोग एकदम से अच्छे होंगे। इस वीडियो में आज जो हम बात करने वाले हैं वो है लोकल एक्शंस यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी। बैटरी के अंदर जो लोकल एक्शंस होते हैं वो क्यों होते हैं और उनका क्या ड्रॉबैक और क्या उनकी वजह है। बैटरी चार्ज करके रख दी कुछ टाइम के बाद, यानी कि एक हफ्ते के बाद या दस दिन के बाद हम लोग चेक करते हैं तो या तो वो ग्रेविटी अपनी लूज कर देती है या फिर अपने वोल्ट को लूज कर देती है। एट द एंड जब वो बैटरी कस्टमर के पास जाती है तो वो लगभग 50% तक डिस्चार्ज हो चुकी होती है। क्यों होता है ऐसा, क्या इसकी प्रिकॉशंस हो सकती है, किस वजह से ये सारी चीजें होती हैं और क्या प्रिकॉशंस लेकर हम इसको रोक सकते हैं, तो इस वीडियो में पर्टिकुलरली हम लोग केवल और केवल उस पर बात करने वाले हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले जो पीछे प्रीवियस वीडियो हमारा आया था पोस्ट प्रोडक्शन लैब का, लोगों ने कमेंट किए प्राइजेस वगैरह के बारे में, फर्दर इंफॉर्मेशन के बारे में, मेरी छोटी सी आप लोग को सलाह है, पूरी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे नंबर फ्लैश कर रहा है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कोई भी क्वेरी अगर आपको होती है तो आप व्हाट्सएप के थ्रू मेरे से जुड़ सकते हो और हम लोग अपनी इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान कर सकते हैं बहुत आसानी से रियल टाइम। तो आप लोग व्हाट्सएप पे आइए और जो भी आप पूछना चाहते हो या जो भी आप मेरे को बताना चाहते हो अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड या अपनी इन्फॉर्मेशन आप शेयर करना चाहते हो वो व्हाट्सएप पे करेंगे तो इजी होगा मेरे लिए। और जो लोग चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और स्प्रेड आउट कीजिए वीडियोस को, जिससे कि ये वीडियोस बैटरी मैन तक पहुंच सके। जो भी बैटरी इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है उनके लिए ये वीडियोस अगर 1% भी काम में आती है तो मुझे अपने आप पे बहुत गर्व होगा, खुशी होगी कि मैं ये आपके लिए कर पाया। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। लोकल एक्शंस, लोकल एक्शंस डियर कुछ ऐसा होता है कि मैं मुरादाबाद से चलकर दिल्ली जाने वाला था और मेरे को 3 जगह पर जाम मिला, हापुड़, गाजियाबाद और समझ लीजिए आप गजरौला के पास। इन तीनों जाम की वजह से 3 घंटे का सफर मेरा 6 घंटे का हो गया, यानी कि मेरे को वहां तक जाने में रोकने के लिए जो है अवरोध मिले जो कि थे जाम की तरीके से। अब हमारी बैटरी के अंदर जो लोकल एक्शंस होते हैं वो किस किस वजह से होते हैं, यानी कि हमारी ग्रेविटी, जो हम जिस ग्रेविटी का एसिड हम लोग बैटरी के अंदर यूज करने वाले हैं वो अगर डिफर होगी या बैटरी के एसिड के अंदर आयरन ज्यादा होगा तो लोकल एक्शंस की वजह से बैटरी मेरी रखे रखे डिस्चार्ज हो जाएगी। यानी कि अगर मैं बैटरी को नहीं भी यूज कर रहा हूं, इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से, यानी कि जिसको हम IR से डिनोमिनेट करते हैं, अभी तक ये टर्म्स नॉर्मली हम लोगों ने शायद ना सुनी हो IR, इसको मैं बार बार बोल रहा हूं, इंटरनल रेजिस्टेंस अगर ज्यादा होगा तो आपके बैटरी जो है रखे रखे डिस्चार्ज हो जाएगी। इंटरनल रेजिस्टेंस के जो रीजन है वो मैं बता दूं आपको, अगर आपके इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आयरन ज्यादा है, अगर आपकी वाटर की हार्डनेस ज्यादा है, अगर आपकी बैग की पोरोसिटी और सेपरेटर की पोरोसिटी बहुत ज्यादा है और गलत है, जो कि आपकी डिजायर रिक्वायरमेंट थी उससे अगर वो ज्यादा है या कम है, तब ये लोकल एक्शंस जरूर होंगे और ये बैटरी की लाइफ पे भी प्रभाव डालेंगे। तो यानी कि अगर हमें अपने लोकल एक्शंस को रोकना है या उनको कंट्रोल में करना है तो हमें अपने इन 4 बिंदुओं पर काम करना पड़ेगा। यानी कि पहले हमें वाटर की हार्डनेस चेक करनी है, मेरा वाटर का TDS 0 to 10 होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, और अगर 0 हो तो वेल एंड गुड, डिस्टिल्ड वाटर। दूसरा, मेरे को अपना एसेट के अंदर आयरन चेक करना है, आयरन मेरे एसेट में अगर होगा तो ये लोकल एक्शंस होंगे, उससे मुझे बचना है, यानी कि एसेट में टेस्ट करके तभी आगे यूज करूंगा। टेस्टिंग मेथड हम लोग प्री प्रोडक्शन लैब के वीडियो में जरूर बताएंगे और अपनी फैक्ट्री की लैब में आप इसको रखिए भी जरूर, क्योंकि आपने बैटरी बहुत अच्छे से बना ली, सारा कुछ अच्छा है, बैटरी के प्लेट्स बेहतरीन है, आपने बहुत अच्छे फैब्रिकेशन से, बहुत अच्छे चैनल से प्लेट को बना के लेके आए, बैटरी बहुत अच्छी बन गई, पर आपको पता ही नहीं कि अगर आपने इलेक्ट्रोलाइट गलत डाल दिया तो वो सारा करावा व्यर्थ हो गया। जो पहली वीडियो हमारी थी 30-30-30 फार्मूला वाली, यानी कि प्लेट बहुत अच्छी है, बैटरी असेंबली में गलती हो गई तब डूबेंगे, प्लेट बहुत अच्छी है, बैटरी असेंबली और भी अच्छी है, एसिड एंड चार्जिंग में गलती होगी तो डूबेंगे, प्लेट खराब है, असेंबलिंग एंड एसिड एंड चार्जिंग अच्छी है तब भी डूबेंगे। यानी कि कहने का मतलब है 30-30-30, तीनों 30 को बराबर ध्यान देना जरूरी है। वापस से आते हैं अपने टॉपिक पे। लोकल एक्शंस हमारे हुए, पहला वाटर,
दूसरा हार्डनेस, तीसरा पोरोसिटी ऑफ बैग एंड सेपरेटर, यानी कि या तो पोर्स अगर ज्यादा है तो इलेक्ट्रोलाइट फास्ट मूव करेगा और अपने जो एक्टिव मटेरियल है उसको बैग से बाहर ले आएगा, या कहीं ना कहीं सल्फिटेशन की वजह से वो चोकिंग जनरेट कर देगा और वो पाथ को रोक देगा और लोकल एक्शन से बैटरी रखे रखे डिस्चार्ज होगी, यानी कि बैटरी अपना काम कर रही है, आपको पता भी नहीं कि बैटरी अपने अंदर वो एम्पीयर्स लूज कर रही है, ग्रेविटी लूज कर रही है ड्यू टू द लोकल एक्शन, और वो आपकी बैटरी परफॉर्मेंस के टाइम तक आते आते डिस्चार्ज होगी। पोरोसिटी का भी हमें ध्यान रखना है, और कनेक्शन अगर हमारे कहीं लूज रह जाएंगे, यानी कि हम लोग जब टाके लगती है, मशीन हमारी टाके लगाती है, मैनुअल वेल्डिंग की हम बात कर रहे हैं, अगर ऐसा भी कुछ रहेगा तभी भी लोकल एक्शन होंगे। तो दोस्तों कुछ डिवाइसेस मार्केट में है भी और हम लोग भी अभी सर्च कर रहे हैं, अगर आप लोग के पास उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है तो आप हम तक शेयर कीजिए। लोकल जो आपका IR है उसको टेस्ट करने के लिए एक मीटर भी आता है, IR टेस्टर भी बोलते हैं उसको, माइक्रो कंपनी का आई थिंक आता है, और अगर आपके पास कुछ सोर्सेज हैं जहां से वो हमें अरेंज हो सकता है तो आप प्लीज शेयर कीजिए, मैं बाकी लोगों तक इसकी इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड आउट करूंगा। लोकल एक्शन आज हमने समझा, IR इंटरनल रेजिस्टेंस की बहुत एक बड़ी वैल्यू है, इंटरनल रेजिस्टेंस को कम करके भी हम अपनी बैटरी का बैकअप लगभग 30% तक बढ़ा सकते हैं। 30% सुनने में थोड़ा छोटा लग रहा होगा, पर अगर गौर देंगे तो अगर 3 घंटा मेरी बैटरी का बैकअप है पर्टिकुलर सैटरडेड रोड पे, तो मैं अगर अपने इंटरनल रेजिस्टेंस को कम कर लेता हूं तो ये बैकअप मेरा बढ़ जाएगा बिना किसी फर्दर इन्वेस्टमेंट के। फर्दर इन्वेस्टमेंट से मतलब ये है कि मेरा कोई इसमें खर्चा नहीं होने वाला है, जो बैग में ले रहा था वो अच्छी क्वालिटी का आ जाएगा, 10 या 15 पैसे अगर महंगा सस्ता भी होता है, वाटर में यूज कर ही रहा हूं, इलेक्ट्रोलाइट में यूज कर ही रहा हूं, प्रोसेस मेरा सेम है, बट सावधानी पूर्वक कंपनी की बैटरी में और आपकी बैटरी में बहुत ज्यादा फर्क प्रोडक्ट को लेके नहीं होता, एक्टिव मटेरियल को या लेड को लेके बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, बट उन लोगों का प्रोसेस फुल प्रूफ है और आप लोगों का प्रोसेस फुल लूज है, प्रूफ एंड लूज। हम लोग किसी भी चीज को क्वालिटी कंट्रोल के नजर से नहीं देखते और कंपनी में हर चीज के लिए क्वालिटी कंट्रोल होता है। तो अगर आपको कंपनी बनना है, अगर आपको कामयाब होना है, तो आपको अपने प्रोसेस में सुधार करना ही पड़ेगा, इसका कोई और शॉर्टकट नहीं है। आप अच्छे से अच्छा केमिकल डाल लो, आप अच्छे से अच्छा कंसल्टेंट हायर कर लो, पर अगर आपने प्रोसेस नहीं सुधारा मित्रों, तो 100% हम अपनी चीजों को लूज करते रहेंगे और बाकी कंपनीज आगे बढ़ जाएंगी। एक्साइड के केस में केवल और केवल प्रोसेस की मैं बात करूं, उनका प्रोसेस 0 to Z फुल प्रूफ है, इसीलिए वो इंडस्ट्री आज की डेट में वर्ल्ड वाइड काम कर रही है और शायद नंबर 1 पे है। आशा करता हूं मेरा जो संदेश है वो आप तक पहुंच गया होगा, टॉपिक आपके समझ में आया होगा। आज के बाद हम जो बैटरी बनाएंगे उसमें IR को भी मेजर करके चलेंगे, और अगर किसी के पास इससे रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन है तो प्लीज शेयर कीजिए। अकेला चल रहा हूं, 1000+ सब्सक्राइबर भी हो चुके हैं, लगभग 1100 लोगों का परिवार बैटरी स्कूल टेक बाजार का हो चुका है, पर आज भी कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए तैयार नहीं। मैं सबसे अनुरोध करता हूं 1100 जो लोग अभी तक मेरे परिवार में जुड़ चुके हैं लोग, उनसे भी और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे भी, केवल फ्रंट कैमरा से एक छोटी सी वीडियो बनाइए, जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है वो मुझ तक पहुंचाइए, गारंटी देता हूं वो इन्फॉर्मेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड, वर्ड तो खैर ज्यादा हो जाएगा, ऑल ओवर द इंडिया, जो लोग हिंदी समझते हैं क्योंकि मेरी वीडियोस भी सारी हिंदी में है, उन तक वो आपकी इन्फॉर्मेशन पॉजिटिवली जरूर पहुंचेगी। आइए जुड़िए टेक बाजार से, जुड़िए बैटरी स्कूल से, और कुछ डेवलपमेंट और कुछ रिसर्च लेके आगे बढ़ते हैं और हम भी कामयाब होने की तरफ अग्रसित होते हैं। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करेंगे, जय हिंद जय भारत। जो लोग नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को स्प्रेड आउट कीजिए। धन्यवाद।